दोस्तों, अगर आपके मोबाइल की बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है या फिर आपको दिन भर में 4-5 बार चार्ज करने की ज़रूरत होती है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा देख लो। यकीन मानो कि ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाने वाली है। आपको बार बार बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार चार्ज करोगे और बहुत ही फास्ट, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा देर तक बैटरी आपकी टिकने वाली है। उसके लिए आपको 5 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसे अगर आप इनेबल कर लेते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है आपकी बैटरी बचाने में। आपका बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि वो ट्रिक कैसे काम करती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देना हमारे इस वीडियो को, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही दोस्तों आपको यहां नीचे में आके यहां पे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना प्यारा सा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो शेयर करके अपने कुछ दोस्तों को व्हाट्सएप या फेसबुक पे आप शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं। तो चलते हैं हम अपने पहले ट्रिक की ओर। बैटरी बचाने के लिए आपको पहला ट्रिक कौन सा यूज करना है, उसके लिए दोस्तों आपको चले जाना है अपने सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहां पे देखो सभी के फोन में यहां पे ऊपर में सर्च बॉक्स देखने को मिलता है, तो आपको इस पे सिंपली कर देना होगा क्लिक, और करने के बाद यहां से सर्च करना है DARK डार्क, और डार्क आप जैसे ही सर्च करोगे यहां पे आपके सामने डार्क मोड आ जाएगा। दोस्तों ये हर किसी के फोन में होता है, अगर ये नहीं होता है आपके फोन में, अगर ये अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा डार्क मोड का, वहां से आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसे लगा लेना। तो फिलहाल हम इस पे क्लिक करते हैं और करने के बाद यहां पे डार्क मोड को हम इनेबल कर देंगे। जैसे ही हमने इनेबल किया आप देख सकते हो मेरा फोन जो है वो पूरा ब्लैक हो गया। इससे दोस्तों डार्क मोड से मैं आपको बता दूं कि बैटरी ज्यादा कंज्यूम नहीं होती है, आपकी बैटरी यहां से सेफ रहने वाला है। ये तो दोस्तों हो गई पहली सेटिंग, अब चलते हैं हम दूसरे सेटिंग, और दूसरे सेटिंग के लिए आपको जाना होगा अपने व्हाट्सएप में। ठीक है, तो हम चलते हैं यहां से फिलहाल अपने व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में जाने के बाद आप देख सकते हो कि ऊपर में यहां पे 3 डॉट आपको देखने को मिल रहे होंगे। आपको कर देना है 3 डॉट पे क्लिक, उसके बाद आना है यहां पे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे चैट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको चैट पे क्लिक कर देना होगा, और यहां पे आपको मिलेगा थीम। तो थीम पे यहां पे अभी लाइट है, हम यहां पे क्या करेंगे डार्क करके ओके कर देंगे और यहां से इसे बैक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप भी हमारा पूरा डार्क मोड में जा चुका, जो कि मतलब हमारी बैटरी बचाने के लिए यह भी बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। तो ये हो गए दो सेटिंग दोस्तों। अब हम चलते हैं तीसरे सेटिंग की ओर। हमारी जो तीसरी सेटिंग है दोस्तों वो है नोटिफिकेशन को लेकर, कि बहुत सारे नोटिफिकेशन हमारे फोन में आते रहते हैं और हम इसे कट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये बहुत सारे ऐसे मतलब एप्लीकेशंस होते हैं जिनकी नोटिफिकेशन हमें नहीं चाहिए होते ही, लेकिन वो बैकग्राउंड में रन करते हैं और फालतू का डाटा कंज्यूम करते रहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, उनकी नोटिफिकेशन को सबसे पहले बंद करना होगा। तो मान लो मुझे ये एप्लीकेशन है, इसकी नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करता हूं, तो ऐप इन्फो में मैं जाऊंगा इस पर क्लिक करके, और यहां पे इसकी नोटिफिकेशन पे क्लिक करके यहां पे सो नोटिफिकेशन हो रहा है तो हम इसे ऑफ कर देंगे। अब इस ऐप की जितनी सारी भी नोटिफिकेशन होगी वो मेरे पास नहीं आएंगी, यानी कि मेरा डाटा भी बचेगा और साथ ही साथ मेरी बैटरी भी बचने वाली है। तो ये तो हो गया दोस्तों तीसरी सेटिंग, अब चलते हैं चौथे सेटिंग की ओर। तो दोस्तों हमारी जो चौथी सेटिंग है वो है ऐप से ही रिलेटेड, कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, हमारे यूज के लिए नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। मान लो कि हमें आज हमने किसी ऐप को यूज किया और उससे 10-15 दिन के बाद हमें जरूरत है, लेकिन ये बीच का जो 10-15 दिन है इसमें फालतू का हमारा डाटा भी जाता है बैकग्राउंड में और बैटरी भी जाती है, तो हमें क्या करना होगा, उसे बैकग्राउंड से रिस्ट्रिक्ट कर देना होगा। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे एनी डेस्क आप देख रहे हो, एनी डेस्क को मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड में रन ना करे, तो यहाँ पे मैं इसके ऐप इन्फो में जाऊँगा, और जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटरी सेवर नाम का एक ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, और करने के बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप पे मैं क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ से हो गया ये काम। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये मतलब देखो ये तो हो गया, अब आपको एक और इसमें काम करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा यूसेज है, डाटा पे आप जाओगे और बैकग्राउंड डाटा आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड में भी ये डाटा खाता है, तो हम इसे ऑफ कर देंगे, इसे ओके कर देंगे ऑफ करके। अब बैकग्राउंड में ना ही ये डाटा कंज्यूम करेगा ना ही ये ऐप चलने वाली है, तो हो गया यहाँ से काम। हम जब भी इस ऐप को ओपन करेंगे तभी ये काम करेगी, इसके अलावा काम नहीं करेगी। अब आती है पांचवी और मेन सेटिंग, उसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और करने के बाद इंस्टॉल कर लेना, और उसके बाद इसे ओपन करना। जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस के साथ ये ओपन होता है, तो अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ
यहाँ पे अब तीन ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको कर देना है माई डिवाइस इज नॉट रूटेड, इस पर क्लिक करके और नेक्स्ट कर देना। दोस्तों ये सेफ एप्लीकेशन आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिनिश कर देना है और उसके बाद यहाँ पे प्लस कर लो। प्लस पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन एप्लीकेशन यहाँ पे मेरे सामने शो हो रही है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेरे पास शो मोर एप्स, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है कि जितने भी एप्लीकेशन है जो कि आपकी यूज के लायक नहीं है, मतलब आप उसे यूज नहीं करते हो ज्यादा, बैकग्राउंड में वो रन होती है, मतलब फालतू में, आप मान लो व्हाट्सएप फेसबुक है वो बैकग्राउंड में रन करे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि काम के नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन सभी पे ट्राई करेंगे, टैप करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो सिलेक्ट हो रहा है, तो ये सारे एप्लीकेशन मेरे काम के नहीं है। तो यहाँ से मैंने इस पर टिक किया और यहाँ से सिंपली साइन पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है यहाँ से सारे यहाँ पे लिस्ट में आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिल रहा है, बैकग्राउंड फ्री, यानी कि ये सब सारे एप्लीकेशन है जो कि बैकग्राउंड में काम नहीं करेंगे, आपकी बैकग्राउंड में ना ही डाटा यूज होगी और ना ही बैटरी कंज्यूम होगी। और जाहिर सी बात है कि अगर डाटा यूज होता है तो आपकी बैटरी भी जाती है, और एप्लीकेशन रन करते हैं बैकग्राउंड में तो भी आपकी बैटरी जाएगी। तो ये दोस्तों 5 ट्रिक थे जो कि बैटरी बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, आप इसे ट्राई जरूर से जरूर करना। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।